एक तरफ भारत जहां 26 नवंबर को हुए मुंबई हमले की 10वीं बरसी मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 26 नवंबर को ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के बीच पड़ी बर्फ के पिघलने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, क्योंकि 26 नवंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंजाब के गुरदासपुर में भारत के हिस्से वाले करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरसिमरत कौर के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। वैसे पाकिस्तान 28 नवंबर को अपने हिस्से वाले कॉरिडोर की नींव रखेगा। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर जमकर निशाना भी साधा। एक सैनिक होने के नाते मैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सेना है जो सीज फायर के उल्लंघन और दूसरे देश के सैनिकों की हत्या की शिक्षा देता है? कौन सी सेना है जो पठानकोट और अमृतसर में हमले के लिए लोगों को भेजने की शिक्षा देती है? ये कायरता है। वैसे अमरिंदर सिंह ने कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस दिन को सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। कॉरिडोर की खास बात यह है कि अब श्रद्धालु बिना वीजा और बगैर किसी रोक टोक के बॉर्डर पार कर पाएंगे। यही वजह है कि करतारपुर कॉरिडोर को भारत पाकिस्तान के बीच शांति की एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। NTI पॉकेट TV के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।